उन्हें अपने मजहब के कट्टरपंथी कानून का पालन करने में दिक्कत आ रही थी, खासकर हलाला और तीन तलाक इन्हें पसंद नहीं था। सनातन में कोई कट्टरपंथी नहीं है, कोई हलाला नहीं है, कोई तीन तलाक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्ण, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते होंगे कि इस समय पूरे देश में घर वापसी अभियान को लेकर जोरदार से प्रचार प्रसार चल रहा है। इस समय घर वापसी अभियान का जोरदार से समर्थन मिल रहा है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में इस घर वापसी अभियान का जोरदार से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और करना भी चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। तो ऐसी ही कुछ घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ। कुछ साल पहले 14वीं शताब्दी की ये घटना है। वर्ष 1414 से 1431 के बीच बंगाल के शासक जलालुद्दीन मोहम्मद थे। आश्चर्य की बात यह है कि वो हिंदू से मुसलमान बने थे। पहले वो हिंदू थे, बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और वो मुसलमान बन गए। उनके पिता का नाम राजा गणेश था, जो एक हिंदू शासक था, लेकिन उनके पुत्र का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था, जिसने बंगाल में सन 1414 से 1431 के दशक में शासन किया। अपने शासनकाल में जलालुद्दीन ने वहाँ रह रहे सभी हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। उसने जबरन लोगों को इस्लाम धर्म अपनाया। उसने बंगाल में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया। नतीजा ये हुआ कि बंगाल में मुसलमानों की आबादी काफ़ी बड़ी हो गई। मुसलमानों की आबादी इतनी बड़ी हो गई कि बंटवारे के वक्त संयुक्त बंगाल का विभाजन करना पड़ा। ऐसी स्थिति हमारे देश में ना आए, इसलिए घर वापसी अभियान चलाया गया है। अब मैं आप लोगों को अभी हाल फिलहाल में हुई घटना के बारे में बताती हूँ, जो हमारे शहर इंदौर में हुई है। इंदौर शहर में मुस्लिम समुदाय के करीब 35 लोगों ने इस्लाम त्याग कर घर वापसी की है। 35 लोगों ने सनातन धर्म अपनाया है। उन लोगों का शुद्धिकरण वहीं के स्थानीय खजराना गणेश मंदिर में शुक्रवार को कराया गया था। वहां पर उन लोगों का पूजन पाठ हवन कराया गया तथा उन लोगों को गंगा जल ग्रहण कराया गया और उनका शुद्धिकरण कराया गया। सनातन से प्रभावित होकर इन लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया है। जानकारी के अनुसार कानूनन धर्म परिवर्तन के लिए इन लोगों ने इंदौर कलेक्टर में आवेदन दिया था। इसके बाद यह आयोजन किया गया। एडवोकेट अनिल नायडू और राहुल राठौर जी ने इसकी पुष्टि की है। इन सभी लोगों ने विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत के प्रमुख संतोष शर्मा के नेतृत्व में इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। इनमें से रोहित पहले हिंदू थे, जिन्होंने कुछ समय पहले इस्लाम अपना लिया था, पर अब इन्होंने घर वापसी कर ली है। संतोष शर्मा ने कहा कि धर्मांतरण कर रहे सभी लोगों की घर वापसी हो रही है। इस्लाम छोड़ इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है। मंदिर में हिंदू धर्म अपनाने के लिए अभी और भी लोग पहुंच रहे हैं, यानी कि 35 लोगों के अलावा और भी लोग इंदौर के आसपास के क्षेत्रों से आ रहे हैं हिंदू धर्म अपनाने के लिए। ये सभी इंदौर और आसपास में रहने वाले लोग हैं। सभी के बारे में कलेक्टर कार्यालय में शपथ पत्र दे दिया है। इनमें इंदौर, देवास, सांवेर और अन्य जिलों के लोग शामिल हैं। सबसे ज़्यादा लगभग एक दर्जन यानी कि 12 से 13 लोग इंदौर के हैं। महिला पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है। उन्हें अपने मजहब के कट्टरपंथी कानून का पालन करने में दिक्कत आ रही थी, खासकर हलाला और तीन तलाक इन्हें पसंद नहीं था। सनातन में कोई कट्टरपंथी नहीं है, कोई हलाला नहीं है, कोई तीन तलाक नहीं है। यहाँ तो शादी एक पवित्र बंधन माना जाता है, जो कि दो परिवारों का मेल होता है, दो लोगों का मेल होता है। यहाँ पर कोई तीन तलाक वाली कोई धारणा नहीं है, इसलिए शायद ये लोग सनातन धर्म को अपनाने के बाद इतने खुश नजर आए। उन लोगों ने कहा कि सनातन धर्म को अपनाने के बाद हमें बहुत खुशी मिल रही है, इसीलिए उन लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने अपने हिंदू नामकरण भी किए, जैसे जमीन भी 58 वर्षीय अब जमुनाबाई, नीलोफेर शेख 34 वर्षीय अब निकिता, अक्षा शेख 34 वर्षीय अब आकांक्षा,
रज्जाक अब रोहित, अंजुम शाह अब आरती, अल्फिया अब आशु के नाम से पहचानी जाएंगी। ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने अपने हिंदू नामकरण किए हैं। देखा जाए तो इन लोगों ने बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा काम किया है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। सनातनियों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि अलग अलग धर्म के लोग हमारे धर्म को अपना रहे हैं। सनातन धर्म सबसे पवित्र और सबसे प्राचीन धर्म है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता फैले, लोगों को सनातन धर्म के बारे में पता चले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी विचार हैं वो प्लीज़ कमेंट में डालना मत भूलिएगा। जय श्री राम।